विभिन्न आयामों के बारे में जानने, समझने, विचार विमर्श करने और श्रेष्ठ वक्ताओं को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मई को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया 2021 में। तब से हम 75 सप्ताह में 75 कार्यक्रम करने वाले हैं। उसी योजना में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इस सब कार्यक्रमों के समिति के अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी जी नेतृत्व दे रहे हैं। उनके नेतृत्व को बधाई देता हूँ। आज हमें दोनों ऐसे वक्ताओं को सुनने का अवसर मिला जो अपने विषय के ज्ञाता भी हैं और संपूर्ण रूप से भाव प्रवण वक्तृत्व उन्होंने दिया। वे उसमें सम्मिलित भी थे, समाहित भी थे और हम सब सूचित भी थे। इसलिए खुदीराम बोस के बारे में हम आप सब बहुत संक्षेप में बहुत थोड़ा जानते आए हैं। आज बहुत विस्तार से जानने को मिला। जब से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का विषय प्रारंभ हुआ है तब से अनेक बार कार्यक्रम हुए और मैंने कहा है कि अवसर है उन लोगों को जानने का जो अभी अज्ञात कुलशील रहे हमारी इस गाथा में, हमारे इस आख्यान में, हमारी इस कथा में, यात्रा में। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने भारत माँ भारती के स्वातंत्र्य के लिए अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित किया, उनके बारे में जानने का अवसर अभी कहा डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी ने। कितने लोगों का जीवन समाप्त हुआ 1857 की क्रांति के बाद, पाश्चात्य सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में जो हम पर शासक थे और उनके कथित सामाजिक नैतिक मूल्यों की का उल्लेख किया प्रोफेसर रेड्डी ने। वे प्रदर्शन की वस्तु मात्र थे। वे जो मूल्य थे वो प्रदर्शन के लिए थे, बताने के लिए थे। उनके व्यवहार में जो क्रूरता, निर्ममता, निष्ठुरता, अमानवीयता विद्यमान थी वो भारत ने देखी तो, लेकिन उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। वो प्रायशः इसलिए भी नहीं हो पाई कि मैं प्रायः कहता हूँ कि हमने अपने आधुनिक भारत में कुछ लोगों के आभा मंडलों का निर्माण किया और उन आभा मंडलों के चारों ओर ही हमारा सारा ध्यान केंद्रित भी रहा। उन आभा मंडलों में हमारी आस्था विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमारी आस्था विश्वास इसमें अवश्य हो गई कि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो भी योगदान है वो सामान्यतः है अहिंसक आंदोलन का है। और मैं यह प्रश्न गांधी अध्ययन के विद्वानों से करता हूँ कि अहिंसा मूलतः व्यक्ति का सद्गुण हो सकता है, किसी राष्ट्र का तो सद्गुण नहीं हो सकता। वो किसी राष्ट्र का मूल्य हो जाएगा तो फिर किसी प्रकार की भी पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी, किसी सेना की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार के गार्ड्स की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्र का मूल्य तो संभव नहीं है। राष्ट्र का मूल्य होते ही तो हमारी सारी ये व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो वो व्यक्ति का एक सद्गुण हो सकता है। व्यक्ति सामान्यतः अहिंसात्मक होगा और इस अहिंसा की परिभाषा भी हमने ये मान ली कि संघर्ष की अनुपस्थिति अहिंसा है शायद, या किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का अभाव भी अहिंसा है। यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हमें उसका कोई प्रतिकार नहीं करना है, यह अहिंसा है शायद। संभवतः यह अहिंसा नहीं थी। महात्मा गांधी ने 1942 के आंदोलन के समय लगभग यह स्पष्ट कर दिया कि अहिंसा का अर्थ किसी प्रकार से भी अत्याचार को सहन करना नहीं है। महात्मा गांधी ने इसको बहुत विस्तार से स्पष्ट किया। और गांधी जी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो स्वयं अपने विचारों के विकास के साक्षी बनते थे। अपने विचारों में जितना भी तत्कालीन समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित परिमार्जन था उसको स्वीकार भी करते थे और उससे पहले जो उन्होंने कहा है उसे सामान्य रूप से निषिद्ध भी कर देते थे। तो स्वयं को विकसित होने देने की यात्रा महात्मा गांधी की वो अहिंसा की 1942 की उनकी परिभाषा में सन्निहित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वही सब कहते भी हैं। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज डॉक्टर धर्मचंद चौबे ने रेखांकित किया कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ किए जाने के संकेतों से पूर्व भी भारत में स्वाधीनता के लिए अपने सर्वस्व के बलिदान का
समय कुछ लोगों ने अंगीकृत कर लिया था, पहचान लिया था, वो 1857 और 1920 के बीच का समय है। तो 1857 और 1920 के समय की एकमात्र घटना 1885 में कांग्रेस की स्थापना मात्र नहीं है, यह भी स्पष्ट हो गया। 1857 से पहले भी, बिरसा मुंडा 1857 से पहले है, रानी चेन्नम्मा 1857 से पहले है कित्तूर की। भारत में विभिन्न स्थानों में 1857 से पहले भी यह विचार प्रारंभ हो गया कि जो पराधीनता है उससे बाहर आना है, और पराधीनता से बाहर आने के प्रयत्न हमें दिखाई पड़ते सुनियोजित रूप में 1857 में दिखाई पड़े, इसलिए उसे वैचारिक दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी मैं प्राय कहता हूं कार्ल मार्क्स ने भी उसे स्वाधीनता आंदोलन कहा भारत का, और वीर सावरकर ने भी उसे भारत का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम कहा। कार्ल मार्क्स का संदर्भ थोड़ा भिन्न था। कार्ल मार्क्स उसमें बताते हुए सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये कंपनी की बजाय अंग्रेजों को शासन करना चाहिए इन पर, वो ये बताना चाहते थे। सावरकर कुछ और कहना चाहते थे, वो स्वत्व का जागरण जिसकी ओर संकेत चौबे जी ने किया और बाद में डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी ने किया, वो स्वत्व के जागरण की ओर संकेत कर रहे थे। लेकिन यह जो विमर्श है, यह विमर्श विश्वविद्यालयों के विभागों तक पहुंचे, ऐसे प्रकोष्ठों तक पहुंचे, हमारे शिक्षक समुदाय तक पहुंचे, हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचे। और आप जानते हैं आगामी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा विधिवत रूप से करने वाले हैं, 2023 तक ये चलेगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमें देश भर में करने हैं, विश्वविद्यालय को जैसे हमने संकल्प किया है 75 कार्यक्रम करेंगे। उनमें ऐसे जिनके बारे में, जिनके लिए कहा अभी विश्वेश ने, अश्रुतपूर्व हैं, जिनके बारे में कोई सुना नहीं गया, कहा नहीं गया, बताया नहीं गया, समझा नहीं गया, विचार विमर्श नहीं हुआ, उन पर भी बातचीत हो जाए। मैं ऐसे स्थानों को जानता हूँ, 1857 की क्रांति जिस नगर से हुई उस नगर से आता हूँ, तो ऐसे स्थानों को जानता हूँ आप, जहाँ जहाँ 1857 की क्रांति के मुख्य पुरुष थे वीर कुंवर सिंह, यदि उनके स्थान के आसपास आप घूमेंगे, बलिया या मेरठ या ऐसे स्थानों में जहाँ जहाँ क्रांति के मुख्य सूत्रधार लोग थे, और चांदनी चौक नई दिल्ली भी, क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे उस पूरे आंदोलन का, और उनकी जो सत्ता थी बहुत विस्तृत नहीं थी दिल्ली में, कहा जाता है वो चांदनी चौक की कुछ गलियों तक ही सीमित था उनका राज्य उस समय, फिर भी अंग्रेजों के दमन के निशान वे चिन्ह आज भी विद्यमान है। मैं बहुत सारे ऐसे स्थान जानता हूँ, मैंने कहा, जहाँ सामूहिक रूप से फांसी दी गई, सार्वजनिक स्थानों पर दी गई, और वो मनुष्यों को नहीं दी गई मात्र, यदि मनुष्यों के साथ कुत्तों को दी गई, ये बताने के लिए कि इन भारतीयों का मूल्य इन कुत्तों के बराबर है। 14 पुरुषों को फांसी दी गई तो 14 कुत्तों को साथ में लटकाया गया। ये वो समाज है जो विश्वभर को बंधुत्व सिखाता है, विश्वभर को न्याय सिखाता है, समता सिखाता है, लोकतंत्र सिखाता है, और आज भी सिखाता है। इसलिए यह अवसर है भारत को समझने का, हमारी स्वतंत्रता के प्रस्थान बिंदुओं में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका चिन्हांकन होना बाकी है, शेष है, वह नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं, नागरिक हैं, भारतीय हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया, लेकिन उनकी ओर हमारी दृष्टि नहीं गई। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जो मेरे आपके घरों तक, विश्वविद्यालयों तक, पुस्तकों तक नहीं पहुंची। उनमें से जितना भी जाना जा सके उसके अवसर यह आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें प्रदान करे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रकोष्ठ मात्र नहीं, विश्वविद्यालय के विभिन्न जो प्रकल्प काम कर रहे हैं, हमारे जो विभाग काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, विभिन्न समितियाँ काम कर रही हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अलग अलग ऐसे विषयों पर, आज बहुत अच्छा उल्लेख किया चौबे जी ने बारीन घोष का, प्रफुल्ल चाकी का, मैं तो भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूँ इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब सुनकर। सत्याग्रह सबसे पहले तो जेल में कर दिया था कुछ लोगों ने, गांधी के सत्याग्रह से पहले कुछ कैदियों ने कर दिया था। जतिन दास का नाम हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। मन्मथनाथ गुप्त के योगदान को हम में से बहुत कम लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया था। तो भारत को आज यहां पहुंचने में
बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों का ऐसा योगदान है, कुछ का कहा जा सकता है, कुछ का कहीं किसी प्रकार के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है, वो भी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि केवल ये राजनीतिक योगदान, राजनीतिक बलिदान, भारत के स्वाधीनता संग्राम की जो धाराएं हैं, और मैं पिछले करीब 40 वर्ष से इस विषय का अध्येता हूं, मैं ये मानता हूं कि भारत की स्वाधीनता का संग्राम अनूठा है, विशिष्ट है, विलक्षण है। वो इस मायने में कि वो केवल राजनीतिक स्वातंत्र्य का आंदोलन नहीं है, हालांकि उसका जो प्रतिफल है वो मात्र राजनीतिक स्वातंत्र्य है। परिणाम में हमें केवल राजनीतिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता मिली है। हमें जो चाहिए था, हम आध्यात्मिक स्तर पर एक लड़ाई लड़ रहे थे, हम समाज सुधार के स्तर पर एक लड़ाई लड़ रहे थे, हम शिक्षा के स्तर पर एक लड़ाई लड़ रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद का उल्लेख किया चौबे जी ने, स्वामी श्रद्धानंद वर्तमान पाकिस्तान में स्थापना करते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की 1900 ईस्वी में। बाद में वो गुरुकुल कांगड़ी आता है भारत के विभाजन के बाद। स्वामी दयानंद स्थापना करते हैं ऐसे स्कूलों की 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद का शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। 1916 में पंडित मदन मालवीय का उल्लेख हुआ, वे एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक साथ साथ काम चल रहा था, साहित्य के क्षेत्र में एक धारा प्रभावमान थी, समाज सुधार के क्षेत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बहुत सारे लोग काम करें, समाज सुधार का काम भी कर रहे हैं। विवेकानंद अध्यात्म की धारा में काम कर रहे हैं, और अरविंद घोष तो एक ऐसा नाम है जो प्रत्येक धारा में दिखाई पड़ते हैं आपको। वो कथित क्रांतिकारियों में भी हैं, बम कांड में जेल भी जाते हैं, वे लेखक भी हैं, वे समाज सुधारक भी हैं, वे विचारक भी हैं, आध्यात्मिक नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। और ऐसे परिवार से पृष्ठभूमि का उल्लेख किया चौबे जी ने, ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, परिवार वालों ने बचपन में ही ऐसी पढ़ाई लिखाई में भेज दिया कि भारत का कुछ ना जान पाए, शुद्ध अंग्रेज बनकर लौटे, और वो आज भारतीय मनीषा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं हमारे समक्ष। तो आध्यात्मिक धारा साथ में प्रवाहमान है। मैं अक्सर कहता हूँ फिल्मों की एक धारा में प्रवाहमान है, फिल्मी गीत लिख रहे हैं प्रदीप, 1943 की फिल्म है किस्मत, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से हम सबने ललकारा है। उसी में एक जगह लिखते हैं, ये भी घोषणा कर दो कश्मीर हमारा है, 1943 में उस गाने में घोषणा करते हैं, अमीर भाई कर्नाटकी ने गाया है वो। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आपको ये विद्यमान दिखाई पड़ेगा। चित्रकला में नंदलाल बोस जो काम कर रहे हैं, वो यही राष्ट्रीय आंदोलन का काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है यदि काशी प्रसाद जायसवाल ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में पढ़कर हिंदू पॉलिटी लिख रहे हैं तो वो यही काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय आंदोलन का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जागरण का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पश्चिम के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले लोग भारत के, संपूर्ण भारत के स्व के जागरण में और उसके विभिन्न आयामों के जागरण में लगे हुए हैं। वह अवसर हमें आज आजादी का अमृत महोत्सव के हम साक्षी हैं, यह भी सौभाग्य है हमारा, हम उसके साक्षी हैं। और साक्षी होने के साथ साथ हम एक विश्वविद्यालय में हैं, विश्वविद्यालय में होने के कारण हमारे पास यह भी अवसर और सुविधा है कि हम उसे अपने विद्यार्थियों तक, अपने समाज तक, अपने परिचितों तक, अपने संबंधियों तक, अपने सहयोगियों तक पहुंचा सकें। यह अवसर हम सबको मिला है, इसका हम सदुपयोग करेंगे। इसी आशा, इसी प्रार्थना के साथ पुनः एक बार डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी को, डॉक्टर धर्मचंद चौबे जी को और आप सबको प्रणाम करता हूँ। धर्मचंद चौबे जी को इस बात के लिए भी नमस्कार कि उन्होंने मेरे बहुत पुराने मित्र प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी का उल्लेख किया, बहुत बड़े विद्वान थे वो, भारत के राजनीति विज्ञान के हम सबके मित्र थे, उनकी स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ।